नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु शेखर। दोस्तों, भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के तलाक की खबर अभी खूब सुर्खियां बटोर रही है। उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी ने शादी के 8 साल बाद अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने तलाक का ऐलान किया। आपको बता दें, शिखर और आयशा का 1 7 साल का बेटा भी है, जिसका नाम जोरावर है। आयशा ने इंस्टाग्राम पर अपने तलाक की जानकारी दी। उनकी पोस्ट की शुरुआत थी, मैं समझती थी कि तलाक एक गंदा शब्द है, जब तक कि मैं 2 बार तलाकशुदा नहीं हो गई। साथ ही उन्होंने अपने पहले तलाक के वक्त के अनुभवों को भी साझा किया। मेलबर्न की रहने वाली आयशा की शादी पहले एक ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन से हुई थी और पिछली शादी से उनको 2 बेटियाँ हैं। आयशा ने दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज धवन से 2009 में सगाई की और 2012 में शादी की। आयशा एक किक बॉक्सर भी हैं। हालांकि शिखर धवन और आयशा धवन का तलाक भारतीय क्रिकेट का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी भारतीय क्रिकेटरों के तलाक हुए हैं, जो काफ़ी सुर्खियों में भी बने हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही क्रिकेटर्स के बारे में बताने वाले हैं। मोहम्मद अजरुद्दीन और संगीता बिजलानी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से पहले भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन और बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिजलानी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी जोड़ी थी। अजहर की पहली शादी नौरीन से हुई थी, जिससे उनके 2 बेटे थे, लेकिन बाद में उन्होंने 1996 में संगीता बिजलानी से शादी करने का फैसला किया, इसलिए वह अपनी पहली पत्नी से अलग हो गए। हालांकि अजहर का यह रिश्ता भी नहीं चल पाया। संगीता बिजलानी और अजरुद्दीन 2010 में अलग हो गए थे। विनोद कांबली और नोएला लुइस। भारत की पूर्व खिलाड़ी विनोद कांबली ने 1998 में अपनी बचपन के दोस्त नोएला लुइस से शादी की थी, लेकिन बाद में कुछ मुद्दों के कारण उन्होंने एक पूर्व मॉडल और उनकी वर्तमान पत्नी एंड्रिया हेविट से शादी करने के लिए नोएला को तलाक दे दिया। जवागल श्रीनाथ और ज्योत्सना। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ की शादी ज्योत्सना से करीब 9 साल तक चली थी। इस जोड़े ने 1999 में शादी कर ली। 2008 में उनके तलाक के बाद श्रीनाथ ने पत्रकार माधवी पत्रावली से शादी की। श्रीनाथ अब ICC मैच रेफरी हैं। दिनेश कार्तिक और निकिता बंजारा। यह शायद क्रिकेटरों के बीच सबसे ज़्यादा चर्चित तलाक था। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की शादी उनकी बचपन की दोस्त निकिता बंजारा से हुई थी। 2012 में कार्तिक को पता चला कि उसकी पत्नी का भारतीय सलामी बल्लेबाज मुरली विजय के साथ संबंध है। इसके बाद उन्होंने निकिता को तलाक दे दिया। 2015 में उन्होंने मशहूर स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल से शादी की। वहीं निकिता और मुरली विजय ने भी शादी कर ली थी। योगराज सिंह और शबनम। भारत के पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह युवराज सिंह के पिता हैं। सतवीर कौर से शादी करने के लिए योगराज सिंह ने अपनी पहली पत्नी शबनम को तलाक दे दिया। योगराज और सतवीर का एक बेटा विक्टर और एक बेटी है, जिसका नाम अमरजीत कौर है। वहीं युवराज सिंह योगराज की पहली पत्नी शबनम के बेटे हैं। तो ये थे वो क्रिकेटर्स जिनकी वैवाहिक जिंदगी शुरू तो हुई, लेकिन किसी न किसी कारण से वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।